हालत बहुत गंभीर है, अभी हम कुछ आपको बयान देते। वही वही जो लड़का है वही मारा है, वो जो जो मारा है उसका मम्मी मारा है उसका सामने यहाँ से 200 मीटर के दूरी पर जाकर कुल्हाड़ी चला रहा था, जिसमें चार आदमी यहाँ सामने, लेकिन ये लोग मुस्लिम है, तलवार खेलता है, दवा इसलिए बच गया। अगर हमारे हिंदू समाज का कोई होता तो समूचा लड़का कट जाता है। अरे तो आपके यहाँ कोई गेस्ट आएगा तब उसको मारिएगा? नहीं सर, ये लोग घुस के यह किया है ना, हम काहे मारेंगे सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। दोस्तों मैं इस वक्त उत्तरी मझौलिया में मौजूद हूं और ये पारू प्रखंड के अंतर्गत आता है जो कि मुजफ्फरपुर ज़िले में है। यहां पर एक घटना घटित हुई है, ये घटना घटित हुई है कि लड़की वाले आए हुए हैं, दो भाई हैं, उनके बाबूजी आए हुए हैं और इसी दौरान उनका जो घर में बहन है उनके पति ने इन लोगों को बहुत मारा है। उसके बाद मारने के अलावा इतना मारा है कि इनके सर और फूट गया हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। हम थोड़ा सा उनसे बात करेंगे कि क्या क्या हुआ है। कुल्हाड़ी से काटा है ये अपने साला का जी। कुल्हाड़ी से ये मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर है। अच्छा, आपके साथ हुआ है ये घटना? हाँ, नहीं इसका साला तो ये तो मारा है, हम घर में थे। अच्छा, मारपीट के यही ना मारा है, बहनोई है साला, साला बहनोई है। आप क्यों मारे हैं? क्यों मारे हम घर में थे, ये लोग आए मारपीट करने लगे आपस में। अरे तो आपके यहाँ कोई गेस्ट आएगा तब उसको मारिएगा? नहीं सर, ये लोग घर घुस के यह किया है ना, हम काहे मारेंगे सर, काहे मारेंगे, हम अकेले काहे मारेंगे। क्यों मारे हैं? हम अकेले मरत है ना घर में सर। अरे तो कोई आदमी आकर के, एक आदमी दो आदमी आकर के आपको घर में कैसे मार देगा? रिलेशन का आदमी है? हाँ तो अंदर घुसे है, उसके बाद जो क्या किया नहीं किया। आपका नाम क्या है? हमारा नाम जुबैद है। आपका घर है ये? हाँ, हम अकेले कैसे मार देंगे, हमारे घर में घुस के साथ हमला किया सर। क्या बड़ा था ये लोग? पूरा एकदम ग्रुप है। कितने लोग आया हुआ है? 10-15 जन से है। कौन 10-15 आदमी है? हमारे आदमी है, हमारे साला लोग हैं। हाँ, साला में कितने कितने लोग आए हुए हैं? वहाँ से ससुराल से कई लोग आया हुआ है? ससुर जी है। हाँ, साला सब है। थोड़ा सा बात करते हैं उनसे जो जिनका सर फूटा हुआ है। भाई साहब थोड़ा इधर आइए। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हमारी हालत बहुत गंभीर है, अभी हम कुछ आपको बयान देते। वही वही जो लड़का है वही मारा है, वो जो जो मारा है उसका मम्मी मारा है, उसका भांजी मारा है। अच्छा, हम लोग को बुला लिया अंदर। मारा है? हम लोग आए थे बहन से मिलने के लिए, बहन को बहुत दिन से टॉर्चर कर रहा है 1 महीना से लाकर, और उसका मोबाइल छीन कर अपने भगनी को दे दिया। हम लोग के भगनी को बहन से बात नहीं करने दे रहा था, बात करना चाह रहे थे और बहन हमको जब भी फोन करती तो रो रो कर बात करती थी। हाँ, यही तो हम लोग फोन हम लोग यहाँ समझाने आए थे, समझाने आए थे कि हम कुछ हल कर दें। पंचायत कौन है? हम इसका बहन वही है। आप वहीं से आए हुए? हाँ, साथ में पंच मुखिया सरपंच सबको लेके आए। ठीक है, तो हम लोग को बुलाया गया था कि आइए फरिया लीजिए, इसके बहन को टॉर्चर कर रहा था, तो आइए हम लोग समझौता करने के लिए। यहाँ आया, इसको दोनों भाई को अंदर बुला लिया, दरवाजा लॉक कर दिया, लॉक करके कुल्हाड़ी से मार के सर फाड़ दिया। दरवाजा खोल नहीं रहा। तो दोस्तों ये घटना है, मझौलिया की घटना है और ये पुलिस आई हुई है, लेके जा रही है पुलिस। आप देख सकते हैं यहाँ पर जी कुल्हाड़ी भी भाग जाता खेत में। खेत में? हाँ, खेत में कुल्हाड़ी। अच्छा, ये लड़का लोग यहाँ उसको पकड़ लिया, पकड़ के मतलब क्या किया, वहाँ भाग रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, एक एक दो आदमी पर चलाया भी है कुल्हाड़ी। हाँ हाँ हाँ, घर छोड़ के भाग भी। तो लड़की को पहले मारता बहुत था ना? हाँ, बहुत मारता था लड़की को, मारता है बहुत बहुत मारता था। अभी हम लोग आए हैं, दो भाई रहता है, बाहर रहता है कि यहीं रहता है? पता नहीं है कहाँ रहता है। अच्छा, यहीं रहता है, यहीं रहता है, यहीं का रिपोर्ट है। बताइए उसका हिस्ट्री पहले, आप पूरा हिस्ट्री बोलिए ना, और क्या हुआ है थोड़ा बताइए। बताइए पहले से क्या था, बताइए। हम लोग तो पहले क्या होता था, लड़की के साथ क्या करता था ये लड़की? जब से शादी हुआ, शादी के 20-25 दिन बाद से ही लड़की को टॉर्चर करने लगा और बोला कि भाई 5 लाख रुपया दहेज में दिया था, उससे नहीं चलेगा, 4 चक्का गाड़ी देना होगा। अच्छा जी, दहेज की मांग करता था? हाँ, मांग बढ़ते गया, दहेज नहीं मिला तो लड़की को मारता था। तो मारता था बहुत, पड़ोस लोग नहीं डर। पहले मिला हुआ है और चाहिए? कितना मिला हुआ था? कितना मिला हुआ था पहले? कितना मिला? पाँच लाख और बाकी फर्नीचर और चाहिए था उसको, एक गाड़ी चाहिए था। एक पैसा नहीं मिला हुआ है, सब गलत। आप कौन है लड़की? सब गलत है। लड़की कौन है? गवाह है मेरे।
है तक अब माथा फोड़ दिया सब लोगों को। हम नहीं मार, गुलहारी कौन चलाया है? गुलहारी कौन चलाया? वही चला है। कौन? वही चल चला, गुलहारी ले गया था वो, मार पीट कर रहे थे, वो छीन लिया है। कोई आदमी, आप बताइए, आप लोग बताइए, कोई भी आदमी बाहर से आकर के आपके घर में अटैक कर सकता है? वो ऊपर माहे चढ़े हैं। अच्छा, हाँ ऊपर माहे चढ़ के वो हमारे लड़का के बहुत मार मारे हैं अंदर। का वो लड़का है आपका? हाँ तो लड़का उड़का अभी है ना, है कोई नहीं है अभी, अकेला। अपने पुतों को प्रताड़ित करती हैं, मारती है? मारे होंगे तो कुरान से मारती है। एक अंगुली नहीं इससे टाया, चलो हमारे पुतों के मुंह पर पूछिए, एक अंगुली सब जलसा। हम उनसे पूछेंगे कहाँ है पुतो, अभी कहाँ? हाँ पुतो तो पूछिए, चलिए बात करते हैं। हाँ ले गई है पुलिस, ले गई है, बताइए पुलिस ले गई है और बता रही है कि हम बात कराते हैं, और ये पुलिस लेकर चली गई। तो ये घटना है ना, ये लोग क्या बोलेगा? आप लोगों को मालूम है कि ये हमेशा इस तरीके की घटनाएं इनके घर में होती रहती है। हाँ ऐसे हमेशा होता है, जब सब गांव वाले हैं सब पता है। इसके विरोध में जी परिवार न्यायालय में केस भी दर्ज है। अच्छा। चल रहा है। हाँ। और केस अभी रनिंग पोजिशन में है। अभी यह लड़का गया घर में रहने लगा, ससुराल में 2-5 दिन रहा, उसके बाद जाना लोग जब प्रेम हो गया तो ले जाए, तो ले करके आया, फिर 15 दिन के बाद यही मारना पीटना शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये लोग समझाने आए थे? हाँ तो समझाने नहीं आते भाई, समझाने नहीं आता। साला आप लोग बुलाए थे पंचायत? अच्छा अच्छा, पंचायत के लिए? पंचायत लेके आए मुखिया से। बताइए पंचायत के लिए आप बुलाए हुए थे वहाँ से, उसके बाद आप मारपीट किए हैं? सब लोगों के सामने हुआ है, पंच लोगों के सामने हुआ है, पंच लोगों के सामने सरपंच साहब ये देखे हैं, इनसे पूछिए। मैं धर्मनाथ सा चक्की बाग का सरपंच, सरैया प्रखंड का सरपंच का अध्यक्ष हूँ। भीतर मारने के बाद ही दूसरे दरवाजे से टॉप करके भागा लोग, निकल गया सामने यहाँ से 200 मीटर के दूरी पर जाके कुल्हाड़ी चला रहा था। अच्छा। जिसमें 4 आदमी यहाँ सामने, लेकिन ये लोग मुस्लिम है, तलवार खेलता है, दवाई इसलिए बच गया, अगर हमारे हिंदू समाज का कोई होता तो समूचा लड़का कट जाता है, वहाँ से उसको धरवा के मंगाया गया है। यही कहने का मतलब, सामने ये आंखों देखा, क्या गाँव वाले लोगों ने देखा है खेत में? नहीं पूछे कि सारे लोग वहाँ तलवार हुआ खेत में से मंगाया गया, सभी गाँव वाले मौजूद है यहाँ पर, पंच लोग मौजूद है, और इन लोगों के सामने हथियार चलाया जाता है, और फिर भी बताइए साहस कितनी है? गांव वाला भी डरे नहीं बोलता, गांव वाला नहीं बोल रहा है ना? हाँ लेकिन सच्चाई सामने आ गई है कि इन लोगों ने लड़की का प्रताड़ित करता है और मारपीट लड़की के साथ हमेशा करता रहता है। दोस्तों ये है मझौलिया का घटना, जो कि उत्तरी मझौलिया में पड़ता है पाड़ू, और वार्ड नंबर आठ पड़ता है। तो मैं हूँ नवीन, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।